हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी कंटिन्यू प्रोपगेशन ऑफ एरर टॉपिक कवर कर रहे हैं और एरर टॉपिक से रिलेटेड कई टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया, जैसे एरर इन सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है एरर इन पावर ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना। तो जैसे कहने का मतलब है स्टूडेंट, मान लीजिए ए का पावर अगर 5 है, तो ए का पावर 5 का मतलब क्या है कि ए को हम कितना बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 टाइम्स, है ना। 8 to 8 to 8 to 8, तो मतलब यहाँ पे पावर का बात हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो कौन सा प्रोसेस है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। यानी जो भी तरीका अपनाएंगे, वो जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका हम लोगों ने मेथड अप्लाई किया था, वही मेथड किस पे अप्लाई करेंगे, पावर वाले पे, ठीक है। तो मान ले रहे हैं स्टूडेंट, लेट जेड इक्वल टू ए का पावर एन है ना। तो ए का पावर एन है मतलब ए को हम कितना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम। तो उसके वजह से हमें ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो अगर ए में एरर है तो इस कैलकुलेटेड क्वांटिटी यानी जेड में भी क्या होगा, एरर होगा, क्लियर स्टूडेंट। जब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस, तो मल्टीप्लीकेशन में पहले क्या कहते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे हम लोग लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए का पावर एन, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग जेड इक्वल टू, चलिए तब इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या लिखेंगे, डीजेड अपॉन जेड इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा एन डी ए अपॉन ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए, क्लियर है। तो ये जो डेल्टा जेड अपॉन जेड है, ये क्या हमारा रिलेटिव एरर है, है ना। रिलेटिव एरर, एरर इन जेड। बट हम लोगों को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, तो हम लोगों को फाइंड करना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन जेड। तो ये था हमारा पावर वाला। तो इससे रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट, हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू ए का पावर बी, बी का पावर क्यू एंड सी का पावर कितना है, आर है। इसका भी हमें रिलेटिव परसेंटेज एरर निकाला है और रिलेटिव एरर, ठीक है। तो तरीका हम लोग को पता है क्या करना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए का पावर पी, बी का पावर क्यू अपॉन सी का पावर आर, ठीक है। तो लॉग जेड इक्वल टू लिख सकते हैं इसको लॉग ए का पावर पी इंटू बी का पावर क्यू माइनस लॉग सी का पावर आर, लेफ्ट हैंड। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए का पावर पी प्लस लॉग बी का पावर क्यू माइनस लॉग सी का पावर आर। अब हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है, तो ये माइनस वाला को भी किसमें बदल देंगे, प्लस में। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा तो पी डी ए अपॉन ए, फिर पावर आगे आ जाएगा क्यू डी बी अपॉन बी प्लस आर डी सी अपॉन सी, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव, इसको अगेन लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, रिलेटिव एरर इन जेड। बट परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है, तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया,
और सेंटेंस एरर इन अ चैट। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।